नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। आइए 11 बजे की इस खास खबर को हम देख लेते हैं। यह खबर आई है बड़ा मलाला क्षेत्र के ग्राम पंचायत महाराजगंज से। महाराजगंज में नेहरू युवा केंद्र छतरपुर के द्वारा कबड्डी की प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया, तो वहीं 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर की दौड़ का भी प्रतियोगिता का आयोजन भी यहां पर रखा गया, जिसमें विकास खंड बिजावर और विकास खंड बड़ा मलाला दोनों विकास खंड में 12 टीमों ने भाग लिया। ग्रामीण प्रतिभाओं के अवसर देने के लिए इस खंड स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनपद पंचायत बड़ा मलाला अध्यक्ष अनीता रमेश राय, महाराजगंज सरपंच सहित तमाम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और साथ में ग्रामीण जन भी उपस्थित रहे। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में विकास खंड बिजावर और विकास खंड बड़ा मलाला की ग्रामीण क्षेत्रों की टीमें हैं और ग्रामीण प्रतिभाओं को एक अवसर मिले और एक पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम है कि एक प्रारंभिक स्तर पर जो है युवाओं को ग्राउंड तक पहुंचने में और इसमें अपना वो प्रदर्शन करेंगे और आपस में प्रतिभाव से खेल की भावनाओं को बढ़ाते हुए एक खंड स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए एक कार्यक्रम है, जिसमें कबड्डी प्रतियोगिता है, एथलेटिक्स है, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोलक है, इस तरीके के कार्यक्रम है। जी सर, आगे चल के उच्च स्तर पर कैसा खेलना है हमको और कैसे जीत हासिल करनी है इसके बारे में हमको मालूम या मतलब अनुभव पैदा होता है। खबर दिन भर में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा खबरों के साथ। आइए अब अपने भारत को बनाएं टीबी मुक्त भारत, एक स्वस्थ और सुंदर भारत का करें निर्माण। याद रखें, अगर किसी को भी 2 हफ्तों से अधिक खांसी हो, बलगम में खून आता हो, सांस लेने में तकलीफ हो, लगातार बुखार हो या फिर वजन लगातार कम हो रहा हो, अगर इनमें से कोई भी तकलीफ है तो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपने बलगम की जांच कराएं। टीबी की जांच और इलाज पूर्णतः मुफ्त है। अक्षय परियोजना वीआई छतरपुर के सौजन्य और जिला अक्षय केंद्र छतरपुर के सहयोग से प्रसारित